नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी भाषण। दोस्तों, लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि गुलदाउदी को बीज से उगाया जा सकता है कि नहीं। बहुत बेशक बीज से उगाया जा सकता है। बीज से उगाने से आपको प्रॉब्लम यह है कि बीज का जो पौधा होता है उसका जो फूल होता है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता। उसका नंबर बहुत कम होते हैं, संख्याएँ बहुत कम होती है, फूल में उसमें जो रौनक है वो नहीं आती, फूल के साइज छोटे होते हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, कंपेयर करके दिखाऊंगा। अगर ये सूख जाते हैं, सूखने के बाद जब उसमें से छोटे छोटे तिल के जैसे, तिल से भी आधे साइज के छोटे छोटे बीज होते हैं, आप ठीक से कलेक्ट कर पाए तो फरवरी मार्च में आप इसके बीज कलेक्ट कर सकते हैं। और इसको जुलाई अगस्त में बीज को अगर लगा देंगे तो आप उसमें से आसानी से बीज से पौधा उगा सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे पौधे बीज से भी उगाए, और दिखाने के लिए कि कटिंग हम क्यों करते हैं, कटिंग करने से क्या होता है, जो पौधा है उसका विकास बहुत अच्छा होता है। इसमें काफ़ी सारे हंड्रेड्स ऑफ सैकड़ों फूल आपके आते हैं। ये देखिए, पीछे मैंने कटिंग करके लगाया हुआ है सारा, ये फॉल जो है ये देखिए पूरा कटिंग करके लगाया हुआ है। एक एक गमले में आप दिखाता हूँ मैं, देखिए कितने, कम से कम भी 50-60-70 फूल आप एक एक गमले में आप देख सक रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये गमले में देखिए, ये जो कटिंग्स, ये सारे कटिंग्स है। ये कटिंग इतना ही नहीं कि ये कटिंग में इतना फूल आएगा, एक एक कटिंग में 400-500 तक फूल आ सकते हैं, लेकिन वो सीड से नहीं हो सकते। मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ सीड्स का क्या है। ये देखिए, हमारा जो मदर प्लांट था हमने ये बीज से उगाया था, जो वीडियो हमने डाला था वो देखिए। यहाँ कर जो पौधे हैं, यहाँ पर ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, यहाँ से पौधा है, ये देखिए इसमें 4-5 पौधे हैं। एक एक पौधे से देखिए एक फूल या दो फूल आ रहा है या तीन फूल आ रहा है। इधर देखिए ये एक पौधा है, ये एक अलग वैरायटी का पौधा है, इसमें छोटे से पौधा है, इसमें थोड़ा सा फूल आया। ये देखिए एक पौधा है, कितना सा कम फूल आया है। और ये एक वैरायटी है, इसका मैं दिखाता हूँ, ये जो वैरायटी है ये एक फूल आया है, इसका मैं दिखाता हूँ आपको। ये वैरायटी ये देखिए, इसका मैं 3-4 पौधा है, और ये कटिंग में दिखाता हूँ इसके, ये वैरायटी है, इसके कटिंग करने के बाद देखिए कितना अच्छा फूल आया है। और एक मैं दिखाता हूँ, ये जो वैरायटी है इसमें से, ये वाला देखिए, इसका पौधा का देखिए बेसक एकदम शेप जो है डिसेप हो गया है इसका जो है, ये ठीक आपको फूल का जो ऐसे गुलदस्ता का जैसे फूल बनता है उस तरह का नहीं, ये देखिए डिसेप हो गया। ये बीज से पौधा है, इसके जब कटिंग से उगाते हैं हम तो देखिए ये कितना सुंदर शेप में आता है, ओवल शेप में आता है। ये तो छोटा पौधा है, ये 4 इंच के गमले में, अगर ये 8 इंच या 10 इंच के गमले में उगाएंगे तो इसमें देखिए कम से कम भी 300-400-500 फूल आप खिलेंगे। हमारे यहाँ गमले में भरे हुए हैं, जो बड़े बड़े गमले हैं उसमें 300-400 फूल हैं इस तरह के। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हम क्यों कटिंग से उगाते हैं, कटिंग से उगाने से क्या होगा, उसके रूट का जो विकास ये ज़्यादा होता है, पौधे का विकास ज़्यादा होता है। ये तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कटिंग से आपको दिखाता हूँ, और भी फूल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने कटिंग से लगाई, ये जो पौधे हैं मदर प्लांट उसी का जो कटिंग हमने लगाई, ये सारे जो है ये लोकल वैरायटी है, ये पुणे नहीं है। पुणे में मैं आपको दिखाता हूँ कि पुणे वैरायटी में कैसे कैसे आ सकता है। ये देखिए नए नए वैरायटी है, बहुत शानदार। ये देखिए हमने सब कटिंग से उगाए, कितने कितने फूल आते हैं। इसका शेप जो है, पौधे का शेप देखिए, इसका शेप देखिए और इसका शेप देखिए, कितना अंतर है। और एक एक में 3-3, 4-4 फूल है, यहाँ पर इसमें 40-50 फूल आपको खिल रहे हैं, इस तरह से आप दे सकते हैं। इधर भी मैं आप दिखाता हूँ, ये देखिए अगर आप कटिंग से उगाते हैं, देखिए कितने सारे नए नए ब्रांच आते हैं। ये पिंचिंग भी जरूरी है, पिंचिंग आप करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखिए एक एक में कितने ब्रांचेस आ रहे हैं, ये देखिए पिंचिंग कर रहे हैं। इसका शेप अच्छा होता है, इसका फ्लावर का साइज अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी होती है, इसके फूड अच्छा होता है। इस तरह का आप बीज से और इससे उगाने का ये अंतर, तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको अंतर। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये मेरे कॉलेज ग्राउंड के एक कॉर्नर का है, सिर्फ एक कॉर्नर का। और ये फूल देखिए, एक एक गमले में कम से कम भी 100-150-200 फूल है। और मैं बताऊं कि ये आपका, ये पुणे वैरायटी के क्रिसेंथेमम है, पुणे वैरायटी के गुलदाउदी हमने एक कॉर्नर में लगाए हैं। और पूरे बागान दिखाऊंगा मैं आपको, कल परसों वीडियो अपलोड करूंगा तो दिखाऊंगा पूरा बागान का दृश्य। इससे भी कम से कम 20-25 गुना फूला मैं पूरा बागान में दिखाऊंगा। ये सिर्फ एक कॉर्नर है, और इसका लुक उठाइए, देखिए क्या शानदार फूल है ये गुलदाउदी का, और बहुत ही अच्छा लगता है। ये टिकता भी है काफ़ी दिन, करीब 20-25 दिन तो ये फूल खिले रहते हैं। और ये मोहक, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। और फूलों का गठन देखिए, और एक एक फूल आपको, आपसे बात कर रहा है, आपसे हंस रहा है फूल, ऐसे दिखता है इतना। ये मधुमक्खी आती रहती है यहाँ पर, सैकड़ों मधुमक्खी आती रहती है, और ये एक अलग ही नज़ारा है। आप ज़रूर मेरे बागान में आइए और एक बार कम से कम विजिट करिए मेरे बागान को, और देखिए आपका मन भर उठेगा, बहुत शानदार गुलदाउदी आपके यहाँ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये बीज वाले ये पौधे हैं, ये हम क्यों कटिंग करते हैं, उससे कैसे हम प्रोपागेशन करते हैं, उससे साथ ये जो कटिंग किया हुआ पौधा है, ये जो डिफरेंस है ये आपको पता चला होगा, और ये पूरा साइंटिफिक तरीका मैंने बताया हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी भाषा में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपको। इस चैनल में आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।